कहते हैं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कुछ ऐसे ही हुआ हमारे सहदेव के साथ। शायद आप सहदेव को नहीं जानते, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धूम मचाए एक छोटे से बच्चे का गाना बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना तो जरूर सुने होंगे। इस गाने को मासूमियत के साथ गाने वाले सहदेव ही हैं। उन्होंने जिस मासूमियत के साथ इस गाने को गाया उससे पूरा देश उनका फैन हो गया है। आइए सहदेव की मासूमियत से गाए हुए गाने के बारे में जानते हैं और उनसे हम कुछ सीख लेते हैं। इस बच्चे ने जिस प्यार भरे अंदाज से इस गाने को पेश किया है उसका हर कोई कायल हो रहा है। सोशल मीडिया पर बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना काफी वायरल हो रहा है। यह गाना हर किसी की जुबान पर है। लोग इस गाने पर वीडियो शूट कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं और काफी इंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई सेलिब्रिटीज भी इस गाने पर जमकर रील्स बना रहे हैं। इस बच्चे का नाम सहदेव कुमार दिर्दो है, जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के उर्मापाल गांव के रहने वाले हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेंदलनार स्कूल में सहदेव ने पांचवी कक्षा में पढ़ते वक्त 26 जनवरी की तैयारी के दौरान यह गाना गाया था। एक टीचर के कहने पर सहदेव ने गाना गाया और किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तब इसे किसी ने नहीं देखा। अब ये गाना पिछले कुछ दिनों में ही इतना वायरल हो गया है कि सहदेव अब पूरे देश में छाए हुए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सहदेव ने बताया कि उनके घर टीवी मोबाइल जैसी कोई चीजें नहीं है। पिता गुड्डेराम दिर्दो पेशे से किसान हैं। सहदेव की मां दिर्दो गंगी की 5 साल पहले ही मौत हो गई। सहदेव की 4 बहनें और 2 भाई हैं। सहदेव ने बताया था कि वह हमेशा दूसरों के फोन से गाने सुनते हैं और स्कूल में गाना भी दूसरे के मोबाइल से सुनकर ही गाया था। सहदेव का कहना है कि वह बड़ा होकर सिंगर बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि बचपन का प्यार गीत असल में गुजरात के कमलेश बरोट ने गाया था। इसे सुन सुनकर सहदेव ने उसे याद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद सहदेव काफी मशहूर हो गए। इस वीडियो पर लाखों रील्स और फनी वीडियोस बन चुके हैं। कई साउंड प्रोड्यूसर ने तो इस गाने का रिमिक्स करके नए वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने भी सहदेव से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें मिलने के लिए चंडीगढ़ बुलाया। सहदेव के गाने का फैन तो बॉलीवुड हुआ ही, लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस गाने के मुरीद हो गए हैं। मंगलवार को सीएम बघेल ने सहदेव से मुलाकात की और ये गाना सुनाने को कहा। इस वीडियो को सीएम बघेल ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। वीडियो को शेयर करते हुए सीएम बघेल ने कहा, बचपन का प्यार वाह। इस बच्चे ने जिस अंदाज से गाया जाहिर सी बात है हर कोई उसका फैन हो जाएगा। इस बच्चे से बहुत ही सुंदर बात सीखने को मिली है। इसने जाने अनजाने में गीता का श्लोक कर्म करो फल की चिंता मत करो को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझा दिया है। सहदेव ने तो इस गाने को बिना किसी स्वार्थ के गाया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फल मिलना ही था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में अपना लाभ ढूंढते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बिना मांगे ही मिल जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सहदेव के इस गाने को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उससे सीख भी लिए होंगे। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सहदेव की मासूमियत भरा यह गाना लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी सहदेव के इस गाने के अंदाज से फैन हो गया है। अगर आप सहदेव के वीडियो को देखना चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर इसी प्रकार के मोटिवेशन से भरे लोगों के बारे में लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।